आज मैं आपको ये बेहतरीन रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ, चिकन टिक्का नान बम। चिकन नान बम बनाने के लिए आपने एक डिब्बोल लेना है। डिब्बोल के अंदर सबसे पहले डालना है मैदा। मैदा लिया है मैंने 500 ग्राम वजन करके लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे रिंग बनाना है। देखिए इस तरीके से रिंग बनाने के बाद आपने इसमें डालना है एक अंडा, आधे से आधा टीस्पून नमक, दो पिंच पिसी हुई चीनी, आधा कप दूध। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा पानी भी डालना है और इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है, जैसे कि नान का आटा गूंदते हैं। नान का आटा कैसे गूंदते हैं इसका वीडियो मैंने बना के दिखाया हुआ है, अगर आपने सीखना है तो आपको लिंक मिलेगा ऊपर आई बटन में। ऐसे अच्छे से गूंद लें और पानी धीरे धीरे करके डालें, एक साथ ना डाल दें, इस चीज का रखें ख्याल। ऐसा बढ़िया मैदा गूंदने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है 2 चम्मच तेल, ज्यादा ना डालें, और ऐसे लगाया और ये देखिए ऐसे पंच मारा बढ़िया तरीके से। ऐसे पंच मारने के बाद आपने क्या करना है, इसको रख देना है आपने ढक्के ढक्के रखने, उससे क्या होगा ये ढल जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे आपको दिखाता हूं। आपने लेनी है 200 ग्राम प्याज, यानी कि देख रहे ना आप, 4 प्याज है और इनको आपने चॉप कर लेना है। कैसे, जैसे कि मैं कर रहा हूं इसी तरीके से करना है। बहुत ज्यादा बारीक ना करें और ना ज्यादा मोटी रखना है, ऐसे करना है, देख रहे ना आप इस तरीके से। तो मैं अब इसी तरीके से सारी प्याज चॉप कर लूंगा, आप भी ऐसे ही कर लें। प्याज ऐसे चॉप करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है एक कपड़ा और कपड़े के अंदर प्याज को डालना है। देखिए इस तरीके से, पूरी ना डालें, 2 बार में आपने करना है, ऐसे पकड़ना है देखिए, और थोड़ा सा नचोड़ लेना है ताकि जो प्याज में पानी होता है ना हल्का सा, वो निकल जाए। ना निकले तो भी आप ऐसे जरूर नचोड़ें हल्का सा, थोड़ा बहुत भी निकलेगा तो बहुत है। देखिए ऐसे आपने कर लेना है, प्याज नचोड़ के आपने ऐसे एक बोल में डाल देना है इस तरीके से। ये देखिए ज्यादा ना नचोड़े, हल्का सा ही नचोड़ना है आपने, देख लेना ऐसी खिली खिली प्याज रहना चाहिए। प्याज काटने के बाद आपने चिकन के टिक्के लेने 6 पीस। ये कैसे बनाते हैं मैं बना के बता चुका हूँ, घर में भी कैसे बनाएं ये भी बता चुका हूँ, तो आपको लिंक मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आपने प्याज को काटा है उसी तरीके से इनको भी ऐसा मोटा मोटा काट लेना है, बहुत ज्यादा बारीक ना करें, इस चीज का रखना है ध्यान, ऐसे मोटा मोटा काटें, देखिए इस तरीके से। तो मैं अब इसी तरीके से सारा काट लूंगा, आप भी ऐसे ही काट लें। चिकन काटने के बाद आपने क्या करना है, प्याज के अंदर डाल देना है देखिए इस तरीके से, और आपने इसमें डालना है आधे से आधा टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और आधा टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, ऐसे मिक्स कर लेना है और इसको आपने रख देना है साइड में। देखिए ऐसा मसाला आपका दिखना चाहिए जैसा कि अभी हमारा दिख रहा है, और कुछ ना डालें। अब ये देखिए डो बहुत ही बढ़िया हो चुका है, देख रहे ना। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैदा छिड़कना है टेबल पे इस तरीके से, और मैदा रख देना है यहाँ पर। अब आपने इसके पेड़े मार लेने, तो पेड़े कितने बड़े मारने, सबसे बड़ी जानकारी ये है, ये आपको पता होना चाहिए, आपका पेड़ा होना चाहिए 20 ग्राम का। तो 20 ग्राम का पेड़ा मारें, अगर आप अंदाजे से नहीं मार सकते तो आपने क्या करना है, इसको वजन कर लेना है। बहुत बड़े बड़े पेड़े नहीं मारने, 20 ग्राम का मारना है। इस तरीके से आपने पेड़े मार लेने, पेड़े मारने के बाद आपने इनको ऐसे गीले कपड़े से ढक देना है और 3-4 मिनट ऐसे ढक के रखें। उसके बाद अब आपने बेलन लेना है, बेलन को अच्छे से साफ कर लेना है और ऐसे, और यहां से एक पेड़ा उठाना है इस तरीके से, पेड़े को ऐसे दबाया और बेल लिया आपने, क्योंकि बेलेंगे ना तभी आप अच्छे इसके अंदर कम से कम 40 ग्राम फिलिंग भरना है आपने, तभी भर पाएंगे। और साइडें रखनी है आपने एकदम पतली है, देखिए
ऐसे आप दबा भी सकते हैं, लेकिन बेलने तो ज़्यादा अच्छी बात है, बेलने में कोई शर्म की बात नहीं है। बेलने के बाद आपने ऐसे कर लेना है ताकि सूखा हुआ मैदा सभी उड़ जाए। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया। उसके बाद ऐसे यहाँ पानी लगाना है इस तरीके से, देखिए देखें ना आप। फिर ये है 60 ग्राम, मैंने वजन किया है क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आपको हवा में नहीं बताता हूँ, ताकि आप भी परफेक्ट बना सकें इसके लिए। और आपने देखिए ऐसे बंद कर लेना है इसको, बम्ब की तरह अच्छा टाइट बंद करना है ताकि खुले ना। ये देखिए ऐसे देख रहे ना आप, इस तरीके से बम्ब लगना चाहिए, ठीक है। तो अब बाकी भी ऐसे ही बना लेंगे इसी तरीके से। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, आप ये ना सोचें कि बन गए। ये देखिए मैंने बना लिए, और मैंने कितने पीस बनाए, तो मैंने इतना जो मिक्सचर बनाया था उसमें सिर्फ 7 पीस बने, सभी मैंने भर दिया है। अब आपने इसको करना है फ्राई, कैसे करके तेल में डालना है आपको ये बताता हूँ, उससे पहले आपको कुछ दिखा देता हूँ। तेल एकदम साफ होना चाहिए और गर्म, गैस स्लो। डालना कैसे, आपने ऐसे पकड़ना है और ये देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे इसको करना है, देखिए ऐसे फुला लेना है, देख रहे ना आप। उसके बाद ऐसे तेल में डालें, देखिए तेल गर्म होना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, और गैस स्लो करके आपने फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना। ये देखिए इनको आपने निकाल लेना जो पहले डाले, देख रहे ना आप, ऐसे निकाल लें। अब मैं ये सब निकाल लूँगा, आपने भी निकाल लेना। ये देखिए बन गया ना बम। तो आपने ऐसे फ्राई करके एक डिप बॉल में डालना है, जैसे कि मैंने डाल दिए हैं, और बम भी लगना चाहिए। देखिए अब आपने क्या करना है, इसमें डालना है ये है तंदूरी मसाला। आप सोचेंगे शेफ आपने बना के नहीं बताया, और हम कैसे बनाएं। तो तंदूरी रेड मसाले का, तंदूरी वाइट मसाला, तंदूरी एलो मसाले का वीडियो मैंने बना के आपको दिखाया हुआ है, लिंक आपको मिलेंगे सबके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके देखें, बहुत ही मस्त रेसिपी है, आपके काम आने वाली है। तो वैसे ही आपने ये मसाला बनाना है और इस तरीके से लगा लेना है, देखिए जैसे मैं लगा रहा हूं, देख रहे ना असली बम हो गया। अब आपने क्या करना है, ऐसे मसाला लगाने के बाद, और बहुत ज्यादा मसाला नहीं लगाना है, हल्का हल्का, देखिए कैसे मैंने हल्का सा लगाया, ऐसे ही लगाना है इसी तरीके से। लगाने के बाद क्या करना है, आपने एक सीख लेना है, मोटी वाली ना लें, और ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ऐसे सीधे सीख में लगा देना है, देख रहे ना आप कैसे मैं लगा रहा हूँ, इसी तरीके से लगाएं। मैं 4 पीस पिकअप कराऊंगा, तो 4 ही लगाने वाला हूँ, आप भी जितने पिकअप कराएं उतने ही लगाएं, 4 इनफ है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे आलू लगा देना है, देखिए इस तरीके से, और ये जाएगा आप तंदूर के अंदर, इस तरीके से आपने डाल देना है तंदूर के अंदर, और तुरंत लगा देना है ढक्कन। अब आपने अपने दिल को थाम के बैठना है। उससे पहले कुछ इस रेसिपी के बारे में बता दे रहा हूँ, मेरे पास एक शेफ आया था 1 हफ्ता पहले ट्रायल देने, उसने बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन ये मुझे इतना जबरदस्त लगा ना, मजा आ गया, तो मैं सोचा आपको बना के दिखाता हूँ, बहुत ही मजेदार रेसिपी है, तो आपने जरूर बनानी है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया है, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ये देखिए क्या बेहतरीन बम्ब बन चुके हैं, चिकन नान बम्ब। तो आपने भी ऐसे ही बनाना है। अब ये है पिकअप, आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मजेदार लगेंगे ऐसे भी। अब आपने क्या करना है, हमेशा की तरह आगे से सीख को साफ कर लेना है, और आलू निकाल दें, देखिए इस तरीके से, और बम को ऐसे प्यार से निकालें, देखिए आया ना मजा आपको, और खाने में तो ये इतना टेस्टी है ना, सच बता रहा हूं, मैंने खाया था इसीलिए बनाया है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मजेदार, मतलब बता नहीं सकता। आप बनाएंगे तो आपने मुझे बताना है कि शेफ आप सच बोले थे। अब मैं आपको इसकी खूबसूरती दिखाता हूं, देखिए देख रहे ना,
जब आप इसको खाएंगे और ये प्याज और ये चिकन आपके मुंह में लगेगा ना तो बहुत ही मजा आएगा। और इसमें खास बात क्या है, ये देखिए ऐसे ही पतला होना चाहिए, अगर आपने मोटा मोटा बेल दिया तो मजा नहीं आएगा। इस चीज का रखना है ध्यान, ऐसे ही पतला बेलना है, 20 ग्राम का पेड़ा ही रखना है, उससे बड़ा ना करें। लाजवाब।